पूरे समाज के लिए ही सजा है मैम, जो सीख नहीं पा रहे हम कुछ सीख नहीं पाते, कुछ भी बुराई पे उतर रहे हैं या कुछ भी। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ चरणजीत कौर जी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, उनसे जानते हैं डेरा सच्चा सौदा संस्था व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के बारे में इनका क्या मानना है। नमस्कार चरणजीत जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। चरणजीत जी, क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? डबल एम ए बी एड है मैम। मैम कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा को जानते हो? बचपन से ही जुड़े हुए हैं मैम, पेरेंट्स सारे जुड़े हुए हैं, ब्रदर्स हैं दो, वो सब बचपन से ही जुड़े हुए हैं। कैसा इन्वायरमेंट लगता है आपको डेरा? बहुत अच्छा, आगे भी हमारी फैमिली सारी जुड़ी हुई है, जो मायके में या ससुराल में सब जुड़े हुए हैं। अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैम बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हैं? एकदम फ्रीडम फील करते हैं हम। कहीं और जाते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है भीड़ में, और यहाँ तो कोई भाई हो बीच में ही रहते हैं, कुछ दिक्कत ही नहीं है। मैम जो मीडिया में दिखाया जा रहा था यहाँ के माहौल को लेकर, क्या कहना चाहोगे? मीडिया में तो मैम ऐसे ही झूठी अफवाहें कह सकते हैं, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उन्होंने क्या देखा है। हम तो यहाँ सेवा पे भी आते रहे हैं, हर जगह सेवा भी की है, तो ऐसी कोई थी नहीं यहाँ पे कुछ ऐसा जो मीडिया ने दिखाया है। मैम फिर क्यों, मतलब इस तरीके से क्यों दिखाया जा रहा था, क्या लगता है आपको? मैम इनको क्या कह सकते हैं, दिखाना इनकी अपनी वो है, हम ईमानदारी और उस पर चल रहे हैं, तो नेकी भलाई के काम जो गुरु जी सिखाते हैं वो कर रहे हैं। अब उनको क्या समझ में आ रहा है हमें नहीं पता, बट हम कल भी उसी रास्ते पे थे, आज भी वही। जो गुरु जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? हाँ जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं अब वो भी हम क्या कह सकते हैं उनके बारे में। आपको क्या लगता है? झूठे हैं मैम, वो सारे झूठे ही हैं। हम बचपन से देख रहे हैं गुरु जी अच्छी शिक्षा देते हैं, सब सत्संग सुने हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो कभी हमने तो देखा नहीं कुछ गलत, कुछ भी कैसे कह दे। पढ़े लिखे हैं, अनजान तो है नहीं है, अनपढ़ हों कि पता ना चले, एजुकेटेड हैं मैम। मैम गुरुजी ने किया क्या है समाज के लिए? समाज के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगे हैं, हर बार लगते रहते हैं, और वैश्याओं के लिए भी हुआ है, बहुत काम किए हैं मैम ऐसे। लड़कियों को आगे लेके जाने के लिए क्या योगदान? लड़कियों को आगे ले जाने के लिए तो गुरुजी ने पढ़ाई के प्रति की, हाँ पढ़ें ये अच्छा आगे बढ़ें, लड़कियाँ लड़कों के बराबर काम कर सकती हैं मैम, यही उनको आगे करने के लिए। यहाँ भी स्कूल भी खुले हुए हैं। मैम हम देखते हैं कि आजकल पढ़े लिखे लोग होते हैं या एजुकेटेड होते हैं, जो भी होते हैं, दहेज की जो समस्या है गांव से लेकर शहर तक, हर मतलब एजुकेटेड लोग भी दहेज के लिए मतलब अत्याचार करते हैं लड़कियों के ऊपर। इस समस्या को रोकने के लिए गुरुजी का कोई अहम योगदान है मैम, दहेज को, डोरी सिस्टम को बंद करने के लिए? दहेज भी तो मैम कहते ही हैं कि दहेज जब हमने अपनी बेटी को दे दिया है तो दहेज क्या वो करेगा, दहेज ना दो उससे अच्छा अपने बच्चे को पढ़ाओ, पढ़ा लिखा के अच्छा उसको वेल सेटल्ड करो। 3-4 सालों से संत जी समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज को? देखने को मैम देख ही रहे हैं सारे नॉन प्रेमी, वो भी देख रहे हैं, उनको भी पता है चारों तरफ बुराई फैल रही है, नशा ये वो सब चारों तरफ यही देख रहे हैं हम तो। क्या जरूरत है मैम उनकी समाज को? हाँ जी जरूरत, बहुत जरूरत है मैम। संत जी समाज में आ जाएंगे तो क्या बदलाव होगा? बदलाव तो मैम पहले बहुत था, अब तो बहुत पिछड़ चुके हैं, मतलब हम समझ नहीं अब तक क्या क्या मांग करना चाहोगे आप सब? यही कहेंगे कि गुरुजी जल्दी से जल्दी हमारे बीच में आए, और दुनिया में जो भी बुरे लोग हैं या जो बुराई पे उतर आ रहे हैं उन सबको सुधारें, कुछ सीख लें उनसे जैसे हम। आपको क्या लगता है ये सजा किसको मिली है, संत जी को या पूरे समाज को? पूरे समाज के लिए ही सजा है मैम, जो सीख नहीं पा रहे हम कुछ सीख नहीं पाते, कुछ भी बुराई पे उतर रहे हैं या कुछ भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाज को सजा मिल रही है जब से संत जी समाज में नहीं है। लगातार आपके सामने पब्लिक आ रही है, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, वेल एजुकेटेड लोग हमारे साथ जुड़े थे। ये वो लड़की हैं जो बचपन से आ रही हैं, इनका कहना है कि इनको लगता है झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर क्यों एक संत को बदनाम किया गया? ये लोग लगातार सवाल कर रहे हैं समाज से और इंसाफ की मांग कर रहे हैं सरकार से। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत